केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बीजेपी की जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। रैली में उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से देश को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, इसकी भरपाई के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। देश की अर्थव्यवस्था पर 30 लाख करोड़ की भरपाई का दबाव बढ़ा है, इसमें 10 लाख करोड़ रुपए सीधे राजस्व का नुकसान है। हमारी जीडीपी 200 लाख करोड़ की है, अगर इस तरह से 200 लाख करोड़ की जीडीपी से 30 लाख करोड़ ऐसे चला जाता है तो समझा जा सकता है कि स्थिति खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था में तेल डालकर उसे पंप की करने की जरूरत नहीं है तो उद्योग और व्यवसाय नहीं चलेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि एक इकोनॉमिक जंग शुरू हो चुकी है और हमारे गांव, किसान, कामगार और उद्योग कोरोना के कारण संकट में आ गए हैं।